हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस के बारे में। प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों तक यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होता है, यूज़ करने से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर क्या ग्रीस चलेगी और किस प्रकार काम करता है, ये लोशंस को यूज़ करने का सही तरीका क्या, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशन, जो कि हमारे पास 30 ml का लोशन है, जिसकी MRP की बात करें उसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास लोशन है उसकी MRP 120। प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशन को HNH यानी कि हेगड़े एंड हेगड़े फार्मास्यूटिकल्स LLP कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशन के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स हैं क्लोबिटासोल्स, प्रोपिनोट्स 0.05% वेट बाई वॉल्यूम्स प्लस सैलिसिलिक एसिड 6% वेट बाई वॉल्यूम्स इसके अंदर डाले गए हैं। प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशन का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल लालिमा, सूजन, खुजली और त्वचा से जुड़ी विभिन्न रोगों जैसे कि एक्जिमा और सोरेसिस से होने वाली परेशानियों के इलाज के लिए ये लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशन का इस्तेमाल एक्जिमा और सोरेसिस के इलाज के लिए लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। एक्जिमा का इलाज, एक्जिमा एक त्वचा की स्थिति है जहां त्वचा के पेच में सूजन, खुजली और लालिमा होती है, ये खुरदरे हो जाते हैं तथा इनमें दरारें पड़ जाती है। प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशन में होने वाली सूजन, लालिमा और खुजली का इलाज करने में मदद करता है। सोरेसिस का इलाज, सोरेसिस एक स्थिति है जिसमें शरीर में त्वचा की कोशिका बहुत तेज़ी से वृद्धि करती हैं, इस कारण स्केल और सूखे पच बन जाते हैं। ये कहीं भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर स्केल कोहनियों, घुटनों और निचली पीठ पर होते हैं। प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस पपड़ीदार खुजली वाले शक्ति को कम करता है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों पर विकसित हो सकते हैं। प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस का इस्तेमाल एक्जिमा और सोरेसिस के इलाज करने में मदद करता है। यह लालिमा, खुजली और सूजन से राहत देने में मदद करता है। यह मृत त्वचा कोशिका को हटा देता है और त्वचा को नरम बनाता है। प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस को यूज़ करने का तरीका बताएं तो प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस को आप अपने अफेक्टेड एरिया पे यानी कि आपके जहाँ पे एक्जिमा या सोरेसिस हुआ है उसी एरिया पे लगाएं, सब जगह इसको न लगाएं। यानी कि लोशंस का इस्तेमाल केवल अपने अफेक्टेड एरिया पे इसका इस्तेमाल करें और ये लोशंस को इस्तेमाल करने से पहले अपने अफेक्टेड एरिया को कोई मेडिकेटेड साबुन से धोएं, बाद में इस लोशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है त्वचा पर पपड़ी बनना, त्वचा का पतला होना, इस्तेमाल वाली जगह पर रिएक्शन होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटिक्स डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस किस प्रकार काम करता है यानी कि हाउ टू वर्क्स प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस। प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस के अंदर दो मेडिसिन रहती है यानी कि क्लोबिटासोल्स और सैलिसिलिक एसिड्स, जो एक्जिमा और सोरेसिस का इलाज करती है। क्लोबिटासोल एक स्टेरॉइड दवाई है जो उन केमिकल मैसेंजर्स प्रोस्टाग्लैंडिंस को बनने से रोकता है जिनकी वजह से त्वचा में लालिमा, सूजन और खुजली की समस्या होती है। सैलिसिलिक एसिड एक केराटोलिटिक्स मेडिसिन है, यह केराटिन क्लैंप को तोड़ता है और मृत कोशिकाओं को हटाता है और त्वचा को नरम बनाता है। यह त्वचा में क्लोबिटासोल के अवशोषण को भी बढ़ाता है। प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस को इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छी तरह से हिलाएं और प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस को लगाने के बाद अपने हाथ धोना ना भूलें। प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस को यूज़ करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटिक्स डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस लोशन का इस्तेमाल करें। अपने मन से प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताएं, अदर वाइज डिस्कशन में ईमेल दिए वहाँ पर बताएं। प्रोपिसेलिक्स प्लस 6% लोशंस का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज नॉलेज के लिए था। कोई भी लोशंस का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।